मैं बदला लेने की प्रवृत्ति का नहीं हूँ, मैं सेवा करता हूँ और मिशन के लिए काम करता हूँ। मेरा मिशन है जनता की सेवा, प्रदेश का विकास और अपने देश को आगे बढ़ाना। राहुल गांधी से बड़े झूठे इस दुनिया में कोई नहीं है। वो जो खुद होते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वो जैसे हैं वैसा दूसरों को कहने का प्रयास करते हैं। मोदी जी का व्यक्तित्व, मोदी जी का कृतित्व, मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी कल्पनाशीलता और सार्वजनिक जीवन में पारदर्शी प्रमाणिकता अपने आप में एक अलग उदाहरण है। अब सूरज पे थूकोगे तो थूक आपके मुंह पे ही आएगा। ये कमलनाथ सरकार ने एक अपराध और पाप किया है। एक तरफ खुद के कर्ज माफी के वादे को वो पूरा नहीं कर रहे हैं, किसानों को ठगा गया है, छला गया है, कर्ज माफ नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी जो सीधे अकाउंट में पैसा भेजने वाले थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, उसकी सूची तक नहीं भेजी। और इसलिए किसानों को पैसा ना मिले वोट के कारण, अरे मोदी जी से दुश्मनी तो उनसे बदला लो, किसानों से बदला क्यों ले रहे हो? जो मिल रहा है उससे वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि यह अपराध है। मैंने पत्र भी लिखा था कि तत्काल सूची भेजनी चाहिए ताकि किसानों के खाते में पैसे आ जाएं। इनको लगता है कि वो पैसे आए तो मोदी जी का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए मोदी जी को रोकना है तो किसानों का भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो करो, ये मान सकता ठीक नहीं है। आज से ही विजय के लिए हमारा अभियान प्रारंभ हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली भारी बहुमत प्राप्त करेगी। एनडीए के साथ तो हम और ज़्यादा सीटें लेंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज से आगाज है अभियान का। एक फिर भाजपा, धन्यवाद, फिर भाजपा, धन्यवाद। एक बार फिर भाजपा समर्थकों के जवान पर है तो क्या लोकसभा के बाद फिर भाजपा फिर से राज? अभी तो केवल मोदी जी प्रधानमंत्री, चिड़िया की आंख, हमारा लक्ष्य मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के बने।